तो भाई कुल मिला के आ चुके हैं हम लोग वापस एक नई वीडियो के साथ में। तो गाइज ये वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक फाइट एंड गाइज एक इंस्पिरेशन स्टोरी जो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में गाइज मेरे पे यहाँ पे होने वाला था वो भाई गाइज बहुत ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वहाँ पे वो मेरे क्लॉक टावर में जो मेरे साथ होने वाली थी, जिसे आप लोग अभी देख के गाइज मुँह आपका फटा रह जाएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैं एक गन ले लेता हूँ, राम एक सामने प्लेयर था उसको मैं यहाँ पर किल कर देता हूँ। और किल करके गाइज मैं यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ सामने की तरफ मुझे कोई भी प्लेयर गाइज देखने को नहीं मिला था, तो मैं यहाँ से मेडिकेट भी उठा लेता हूँ। और जैसे ही मैं मेडिकेट उठा रहा था गाइज ऊपर की तरफ से एक बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया, और जैसे ही फायर किया तो मेरे को बाद में देखने को पता चला कि वहाँ ऊपर की तरफ दो दो प्लेयर थे जो कि मेरे को मारने की तरफ आ रहे थे, एक लेफ्ट से एक राइट से। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे गाइज मेरे पास ओनली ना तो कोई अच्छी गन थी और ना ही लड़ने के लिए कुछ मेरे पास वो थी ग्लूवल्स वगैरह थी ताकि मैं जिससे कवर लेके इनको मार सकूं। और मेरे सामने ही गाइज दो के दो प्लेयर गाइज एक लेफ्ट से रश कर रहा था एक राइट से, और मेरे पास बहुत कम टाइम था इनको ख़त्म करने के लिए। तो बट अपने गेम प्ले एंड अपना दिमाग का यूज़ करके मैंने इनमें से एक प्लेयर को तो डाउन कर दिया, बट अभी भी इनके दो प्लेयर जो गाइज मेरे सामने आ चुके थे। तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ निकल लेता हूँ, और पीछे की तरफ निकल के इस घर के पीछे जाना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा सही चीज़ रहेगी। बट इसी के तो गाइज इसी बीच में गाइज एक बंदा आया था तुरंत ही गाइज, तो मैंने उसको भी गाइज यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। तो गाइज यहाँ पे मेरे साथ बहुत खतरनाक वाली चीज़ें जो गाइज यहाँ पे होने वाली थी। आप लोग सोच रहे होंगे अभी भी मेरे दो किल गाइज हो चुकी है, बट यहाँ पे गाइज ओनली क्लॉक टावर पे इस जगह पे मेरे साथ क्या होने वाला है जहाँ पे मैं अभी हूँ वो एक वीडियो में एक देखने वाली बात होगी गाइज। सामने की तरफ एक बंदा था जिसे मैंने बिना सोचे वहाँ पर उसको डाउन कर दिया एंड उसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, और इसका एक प्लेयर वहाँ पर और अभी भी हो सकता है। हम पूरा सावधानी से निकलते हैं, और इसी टाइम पे गाइज पीछे की तरफ से एक बंदे ने मेरे पे ओवर फायर कर दिया, और इसी की वजह से मेरे को यहाँ पे पीछे हटना पड़ा क्योंकि वहाँ पे शायद दो बंदे भी हो सकते। और यहाँ पे मैं अपने दिमाग का एंड सही टाइम देखते हुए पीछे हट गया, और मेडिकेट का सही इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर मेडिकेट का पूरी तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही गाइज मैं यहाँ से निकल के सामने की तरफ जाता हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला था इस वीडियो में इस जगह पे। गाइज आप लोग देख सकते हो बंदा एग्जैक्टली मेरे सामने ही खड़ा था, जो कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं थी कि बंदा यहाँ पे भी गाइज आके रुक सकता है। और मैं इसे मारने के लिए यहाँ पे गाइज खुले में जाता हूँ, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, बट सही टाइम पर मेरा स्कार ने साथ दिया और उस बंदे को मैंने हेडशॉट मार दिया। और इसी के साथ में एक और बंदा गाइज मेरे पे रश करता हूँ, मुझे दिखाई दिया, मैंने उसको ड्रैग हेडशॉट मारा और दो हेडशॉट उसको कंटिन्यूसली पड़ गए, जिससे वो बंदा शायद मेरे पे अब रश नहीं करेगा। तो हम इसे सही टाइम का देखते हुए यहाँ पे गाइज मेडिकेट जो लूट है वो थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थी एक बहुत ही अच्छी लूट की ज़रूरत इतने सारे बंदों को मारने के लिए। बंदा यहाँ पर सीधा खड़ा था और गाइज मैंने सही टाइम देखते उसको ड्रैग मार दिया। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देखते ही रह जाओगे यार, इतने ज़्यादा बंदे जो गाइज यहाँ पे आ सकते हैं गाइज क्लॉक टावर पे, इतने ज़्यादा बंदे जो गाइज मेरे पे रश कर सकते हैं बैक टू बैक। गाइज बैक टू बैक मैं था यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड, और गाइज जो सामने वाले बंदे आ रहे थे इतने ज़्यादा बंदे आ रहे थे गाइज आप लोग यकीन ही नहीं कर पाओगे इतने ज़्यादा बंदे। भाई तेरे पे अकेले पे कैसे रश कर रहे एक ही जगह पर वो। तो देखते ही देखते गाइज सामने से एक और बंदा आया, उसको भी मैंने गाइज अपनी लो बुलेट्स एंड कुछ भी नहीं होते हुए भी गाइज उस बंदे को मैंने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया था। तो हमने समय एंड दिमाग का सही यूज़ करते हुए पीछे की तरफ निकलना मेरे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे गाइज दो बंदे आए थे, दोनों के दोनों बंदों को मैंने मार दिया था, बट गाइज अभी भी यहाँ पे इसका एंड नहीं होने वाली, इसके बाद में भी गाइज बहुत बहुत खतरनाक जो मेरे साथ होने वाले थी स्टोरी जो यहीं पे होने वाली है सब कुछ। इतने ज़्यादा बंदे गाइज देखो एक और नॉकआउट। तो गाइज आप लोग यकीन नहीं कर पा रहे होंगे बैक टू बैक इतने ज़्यादा बंदे गाइज एक ही जगह पर कैसे आ रहे हैं, मेरे 8 किल जो गाइज यहाँ पे हो चुके थे और बंदे आए जा रहे थे, मैं इन सबको मारे जा रहा था, आए जा रहे थे मैं मारा जा रहा था। यहाँ पे मेरे को फिर से एक बार पैरों की आवाज़ सुनाई दी और ऊपर की तरफ जो मेरे बंदा भाग चुका था। दिमाग का सही यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे पीछे की तरफ निकल लेता हूँ,
एंड यहाँ पे इस बंदे के सामने, बंदा सामने आते मैं इसको हेडशॉट मार देता हूँ, और मारने के मारते इसको तुरंत यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसका टीममेट जो आ सकता है, क्योंकि ये डाउन हुआ था, जो कि अभी भी यहाँ पे आने वाला है गाइस, और ये इसका टीममेट आया, इसको भी हेडशॉट एंड दो तीन बॉडी शॉट भी पड़े, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ थी मेरे लिए सही टाइम पे रस करने की, और मैंने इसी टाइम का यूज़ करते हुए गाइस इस बंदे को मैंने मार दिया। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे 11 किल जो गाइस हो चुके थे। अगर अच्छा लगे तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, आगे कुछ नहीं बोलूँगा। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ से चल लेते हैं गाइस, यहाँ से गाइस 11 किल जो क्लॉक टावर की एक छोटी सी एक जगह पे गाइस बहुत ही खतरनाक वाला क्लच हुआ था मेरे साथ। यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे सोलो वर्सेस स्क्वाड में आते गए, मैं सबको हेडशॉट मारा भाई लोग, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो वहाँ से हम गए गाइस सीधा फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जाते गाइस हमें भी यहाँ पे एक और प्लेयर जो यहाँ पे देखने को मिला था, बिना टाइम गवाए हमने इसको भी यहाँ पे तुरंत ख़त्म कर देते और गाइस आगे की तरफ निकल लेते। और जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं दो बंदे हमें और देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और फिर उन बंदों के साथ मैं क्या करता हूँ आप लोग देख सकते हो। और जैसे मैंने इसको ख़त्म किया गाइस एक और पीछे की तरफ से एक और बंदा आ गया था, मैं सही टाइम का यूज़ करते हुए नीचे की साइड चले जाता हूँ, वरना ये बंदा मेरे को ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पे मैं अपनी MP40 गन का एकदम अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए इस बंदे को भी मार देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मेरे 14 किल जो गाइज यहाँ पे हो चुके थे, और 11 बंदे जो 11 प्लेयर्स थे जो गाइज अभी भी अलाइव थे, और मैच जो गाइज बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरे इस मैच में, एंड में इस मैच में मेरे साथ क्या क्या होता है गाइज, आप लोग देख के चौंक जाओगे। यहाँ पे एक गाड़ी वाला बंदा आता है, उसे भी मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ, बट उसे हेडशॉट या बॉडी शॉट नहीं लगता, गाड़ी इतना फास्ट ले जा रहा था पता नहीं कैसे। और जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा था, मुझे एक बंदे के नीचे से पैरों की आवाज़ आई, और मैं पैरों की आवाज़ सुनते ही गाइस यहाँ पे अलर्ट होके इसे नीचे की तरफ मारने चला गया, और इस बंदे को मैं यहाँ पे पूरा मार देता हूँ गाइस, डाउन करके पूरा ख़त्म करना यहाँ पे मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि और भी प्लेयर्स जो यहाँ पे आ सकते थे। और इसे मारते गाइस ऊपर की तरफ मेरे को फाइट की जो गाइस यहाँ पे दिखाते हैं, तो मैं ऊपर की तरफ जो गाइस यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाते हुए मुझे दो बंदे, एक बंदा जिपलाइन से भागता हुआ और एक बंदा जिपलाइन के पास दिखा, और मैं यहाँ पे अपनी MP40 का सही यूज़ करते हुए उसे MP40 से लॉन्ग में हेडशॉट मार दिया। और यहाँ पे फिर से वापस मैं नीचे की तरफ चले जाता हूँ, जो कि मेरे लिए एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मौका था यहाँ पे एक बचने का। बट जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा था, एक प्लेयर मुझे देखने को मिला और मेरे को पीछे से भी पड़ने लगी, तो यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है गाइस, आप लोग सोच नहीं सकते 16 किल करने वाले प्लेयर को गाइस क्या 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 करना, यहाँ पे क्या होता है उस प्लेयर के साथ में, और मैं कैसे प्लेयर के हाथों गाइस, देखो यहाँ पे क्या होता है मेरे साथ देखना आपको। तो गाइस इस बंदे के पास में डबल शॉट वाला कट्टा था, जिसकी वजह से मेरी वेस्ट पहले से डैमेज थी, और उसने ओनली 2 शॉट मारा एक जगह खड़ा होकर, और मेरे को एक जगह खड़ा होकर मारने पर भी गाइस इतना ज़्यादा डैमेज जो यहाँ पे आ चुका था। और मेरे पास यहाँ पे 0 ग्लूअल गाइस, कोई ग्लूअल नहीं थी, और मैंने यहाँ पे लगा दी थी सामने लैंडमाइन, और यही लैंडमाइन मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो यहाँ पे बनने वाली थी। और बंदों ने सही टाइम देखते हुए मेरे पे ग्रेनेड एंड ये कर दिया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा डेंजर बात होने वाली थी यहाँ पे। और गाइस इसी टाइम पे मेरी एक ग्रेनेड मेरे पे आके फटा एंड मेरी हेल्थ इतनी कम हो गई। यहाँ पे मैं फिर से हील करने लगा, बट यहाँ पे गाइस ऊपर की तरफ एक AW वाला प्लेयर था, और उस बंदे ने मेरे को मार दिया। तो गाइस इस बंदे ने गाइस एक 16-17 किल करने वाले प्लेयर को मारा है गाइस, जिसने 1v4 सबकी वाट लगा दी थी। तो इस प्लेयर का UID तो देखना ज़रूरी था। तो गाइस देखिए बंदे की KD ओनली 1 की थी गाइस, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिव बनता है कि गाइस कभी किसी प्लेयर को कम ना समझे गाइस। देखो ओनली 1 KD के प्लेयर ने गाइस एक 17 किल करने वाले प्लेयर को, जो कि 1v4 आया था, उस बंदे को गाइस ओनली 1 KD के प्लेयर ने मार दिया। तो आप लोग सोच सकते हो यार ये गेम में कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी को कम ना समझे। एंड वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।